बहुत सारे लोग ऐसा पूछा था कि बा बा ब्लैक से ये नाम ही रखना कोई खास वजह आपसे जानना चाहिए आप बताइए। बहुत ही सिंपल बात है, हीरो का नाम बाबा है और सारे कैरेक्टर्स ब्लैक हैं, इसलिए बाबा ब्लैक शीप। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मनीष पॉल हैं और भी सारे स्टार कास्ट हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अनुपम खेर, अनु कपूर, के मैनन, मंजरी, फडनिस, मनीष पॉल, इन सब के साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काले आनंद जी जिस फिल्म की प्रशंसा करें निश्चित ही उस बात से कोई ना कोई बात होगी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आना मेरे ख्याल आपके लिए भी एक उत्साहवर्धक होगा। चुप रहो भाई साहब, साइलेंस, सॉरी, उत्साहवर्धक रहेगा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आनंद एक बहुत पुराने दोस्त भी हैं मेरे और मुझे पता है कि वो बहुत ही क्रिटिकल है मेरे काम का, इसलिए उनकी तरफ से अगर कोई भी प्रशंसा आ रही है तो आई थिंक इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर मी। चार दिन लगे मतलब अपने पूरे कंट्रोल में है या कहीं ना कहीं आपको मतलब नर्वसनेस या कुछ ऐसा अति उत्साहित ऐसा कुछ आ रही है? नहीं, एंक्शियस तो हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, मैंने लिखी भी है मेरे दोस्त के साथ संजीव के साथ और थोड़ी बहुत एंक्शियसनेस तो है बट नर्वसनेस बिल्कुल नहीं। अभी तक कितने लोग देख चुके हैं फिल्म? ये पहली स्क्रीनिंग है आज एक्चुअली। कुछ और फिल्में भी रिलीज होंगी 23 तारीख को, उनसे आपको किस तरह से लग रहा है कि लाइक फिल्म रिलीजिंग विद 2-3 मोर फिल्म्स हाउ विल इट इफेक्ट एंड हाउ? मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म अपने मेरिट पे चलती है और अगर फिल्म अच्छी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता और सारी फिल्में चलनी चाहिए, हम सब एक ही इंडस्ट्री हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि सारी फिल्में लोग जाके देखें। इसके बाद कुछ और सोच लिया आपने भाई साहब? कुछ और सोचा है कुछ करने के लिए, इसी का दूसरा कोई पार्ट बनाने आजकल ट्रेंड है एक्चुअली पार्ट टू बनाना बट अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है और ये पहले रिलीज कर ले मार्च 23 को, उसके बाद देखते हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है यार? अभी तक तो इंटरवल हुआ है एंड बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, टच वुड वेरी हैप्पी, लोग सब अभी अंदर वही बात कर रहे थे, अभी तक सबको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, इंटरवल तक कहते हैं कि काफ़ी अच्छी पेस पे निकल गई है, सब अच्छा लग रहा है, सो बस होप कर रहा हूं इंटरवल के बाद भी अच्छी लगे सब। काले हैं पर दिलवाले हैं जी, वो तो आप फिल्म देखोगे पता चलेगा कितना कितने काले हैं और कितने दिलवाले हैं। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? एट टाइम्स सिचुएशन के हिसाब से दिल के काले भी होना पड़ता है ना, सो उस हिसाब से देखते हैं। ओके, आनंद जी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है और आनंद जी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मूवी में कुछ ना कुछ होता है और आनंद जी अगर अप्रिशिएट करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? यार बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक हमारी आई थिंक इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स में है, चाहे वो प्रोड्यूस करें चाहे वो डायरेक्ट करें, आई थिंक कमाल का सिनेमा सामने लेके आते हैं, सो फील्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों की ब्लेसिंग मिले, सो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तो। यार अभी ना थोड़ा नम सा फील हो रहा है मुझे, वो फिल्म होती है ना तो थोड़े बटरफ्लाइज होते हैं स्टमक में, कुछ भी कहो तो वो हो रहा है। बहुत ही ब्रीजी फिल्म है, एंटरटेनिंग है, फुल टाइम पास है और सबने काम अच्छा किया, खेर साहब तो मेरे पुराने आर्टिस्ट हैं, अच्छा है, अनु इज़ वेरी गुड, अपना हीरो अच्छा है, हीरोइन अच्छी है, सबने फुल टाइम पास है, डायरेक्टर ने भी अच्छा काम किया, पहली बार म्यूजिक इज़ गुड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, 2 घंटे की फिल्म है, सो आई थिंक सेल्स ऑफ वेरी वेल, इट्स अ गुड फिल्म। बाबा ब्लैकशिप एक तो मेरे दोस्त की फिल्म है तो मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ बट फिर भी मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि यार लाइफ में जब भी हंसने का मौका मिले तो हंस लिया करो और बाबा ब्लैकशिप बहुत सारे मौके देती है हंसने के, सो मैंने इन्जॉय की है फिल्म और मुझे लगता है ऑडियंस भी हंसेगी जैसे मैं हंसा हूँ। आप कैसे सर, जिस प्रोजेक्ट से आप देखते हैं मतलब कोई विशेष बात ज़रूर रहती है, आपकी फिल्में हों जो आपके प्रोडक्शन बनी हो या खुद ने बनाई हो, काफ़ी इसका जस्ट क्या रहेगा इस फिल्म का? मुझे जितना मैं समझ पाया हूँ इस फिल्म को देख के, ये एक बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत दिल से बनाई हुई, एक जिसको हम रियल सेंस में एक लाइट हार्टेड फिल्म कहते हैं वैसा इसने आपको महसूस कराया और जितनी देर आप देखते हैं आप एक दुनिया में रहते हैं और विद एक्टर्स लाइक मनीष और खेर साहब एंड अनुजी तो आपको लगता है कि यार इनके तो खून में एक अजीब सी लाफ्टर है, आप इनसे मिलते हैं और आप हंसते हैं, सो बिकॉज दे अंडरस्टैंड लाइफ सो वेल, सो इट्स अ फन राइड, सो यू विल एंजॉय। आपकी फिल्में भी मतलब आपने हमेशा ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया है जिनके विषय वस्तु भी अलग रहे हैं और भटके भी रहे हैं।
हाँ, मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मुझे उस तरह की कहानियाँ मिलें या मैं उन कहानियों के साथ जुड़ूँ जो वो वाले पल आपको दे सकें, उन दो घंटों में आपको मैं वैसा महसूस करा सकूँ कि एक 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 अजीब सी फ्लाइट आपको दे पाएँ। तो बस वही है, अपनी मिडिल क्लास सराउंडिंग से जो उठा के ला पाता हूँ वो ले आता हूँ। पिछला साल काफ़ी ठीक रहा आपके लिए, कई फिल्मों ने सफल किया, टच वुड सारा अच्छा माहौल रहा। जी, कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह से आने वाले सालों में भी मेरे प्रोडक्शन हाउस से ऐसा ही कुछ आता रहे। अभिषेक, टैगलाइन भी है सर कि काले हैं पर दिलवाले हैं कितना, और हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से भी काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, बहुत सारी ऐसी लाइनें आती हैं जी, कितना बिलीव करते हैं आप इन सारी लाइनों में? मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मैं इस फिल्म के बारे में इसके बाद ज़्यादा ना बोलूँ और ऑडियंस तक ये फिल्म वैसे ही पहुँचे, फ्रेश पहुँचे और वो ओपन माइंड के साथ देखें, और जो ये इसका ट्रेलर या जो ये एक्टर्स प्रॉमिस कर रहे हैं वो सब फिल्म में। प्रॉमिसिंग की बात की आपने, तो एक और बड़ा मतलब अच्छा कि अभिषेक बच्चन आपकी फिल्म से वापस लौट रहे हैं, बड़ा एक अच्छा अनुभव रहेगा उनके लिए और आपके लिए भी शायद। हाँ, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि वो लौट रहे हैं, वो तो हमेशा से यहाँ थे, मतलब दो साल बाद, मतलब हाँ। थोड़ा ऐसा लोगों को मतलब उन्होंने हाँ, अपने का कमिंग बैक ऐसा हाँ, पर अच्छा रहता है एक एक्टर के लिए अपने हिसाब का, उनको जो जितना गैप चाहिए था लेना, और अच्छे खासे टैलेंटेड एक्टर हैं और मैं उनके साथ हमेशा से जुड़ना चाह रहा था, और ये अब इस स्क्रिप्ट से हम जुड़ पा रहे हैं विद अनुराग्स डायरेक्शन। ये सब लोग पूछना चाह रहे थे जीरो के बारे में। हाँ, ये मैं वेट कर रहा था जीरो का, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं वहां पे जहां पे मैं आप लोगों से खुल के बात कर पाऊंगा। मुझे एक दो महीने और लगेंगे, मैं अपनी फिल्म की शूट पूरी कर लूंगा और मेरे पास बहुत सारा है बोलने के लिए। हम लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप सोचिए तो सही ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप और फिर हम लोग नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ये इस वक्त प्रॉमिस कर रही है फिल्म उससे ज़्यादा आपको डिलीवर कर पाऊँ। अच्छा सर, जो टीज़र आया है अभी तक जो हमारे सामने आया है, इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से शाहरुख प्रेजेंट होते हैं और गाने गाते हैं? मुझे फीडबैक तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस बार मैं ऑडियंस को वो दे पाऊँ जो मेरे दिल के अंदर चल रहा है पूरा का पूरा, और विद शाहरुख सर मुझे लग रहा है कि मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ। हम लोग जो फिल्म बनाते वक्त जो हमें मौज आ रही है, जितना मज़ा आ रहा है, जो मैं हमेशा तलाशता रहता हूँ, वो मुझे पूरी मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम वो सारी चीज़ें पर्दे पर उतार पाए। अंतिम दो प्रश्न छोटे छोटे ही हैं, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, हाँ। नया मीडिया मैनेजर रख लिया आपने, मतलब हाँ उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कटरीना को ये करने में, और थैंक्स टू द एंटायर टीम, थैंक्स टू हर, वो सेट जितनी एक टेक्निकली मुश्किल फिल्म हो सकती है, इमोशनली भी मुश्किल फिल्म है, ऐसे लोग जुड़ने बहुत ज़रूरी थे जो सेट पे एक ऐसा माहौल बना के रखे हैं, और वही कटरीना कर रही हैं, बिल्कुल एक दोस्ती वाला माहौल और एक मौज वाला माहौल सेट पे रखती हैं। सो विच इज़ सो नाइस ऑफ हर एंड नाइस ऑफ द एंटायर टीम टू हैव दिस काइंड ऑफ एटमोसफियर ऑल अराउंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अंतिम प्रश्न, माधुरी जी अब श्रीदेवी जी के रोल में दिखाई देंगी शिद्दत में, जो करण जौहर बना रहे, एक अच्छा है एक आर्टिस्ट के लिए कि उस मतलब वो करे मतलब उसकी मतलब वो मतलब पहली बात तो वो एक इस वक्त उस बारे में बात करते हुए थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा लॉस है, पर फैक्ट ये है कि श्री मैम हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, और उन्होंने जो दिया है, जो उनके जिन्होंने उनके साथ नहीं काम किया है, उन्होंने भी उनसे इतना सीखा है कि जितना बोलूँ उतना कम है। सो एनीबडी प्लेइंग हर रोल कैन बी अ ब्लेसिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये एक ऐसा लॉस है जो थोड़े टाइम तक आपको बहुत सताएगा, और मुझे तो अब लगता है कि जब मौका मिले श्री मैम की फिल्म देख लूँ और ऐसे लगें कि वो हमारे साथ। जानवी भी हमें अपडेट करती रहती है, मैंने इन्हीं चीज़ों आज जानवी ने ही बताया हमें कि माधुरी जी विल बी डूइंग द फिल्म, एंड द फिल्म द फैमिली इज आल्सो सपोर्टिंग माधुरी जी कमिंग इन हर शूज। कोई बहुत ही काबिल एक्टर ये कर सकती थी, और अगर ये है और अगर ये हो रहा है तो ये बेहतर ही हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को काम पसंद आ रहा है, फिल्म पसंद आ रही है, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी। तो मैं पहली बार देख रही हूँ अभी, एंड आई एम टोटली एंटरटेन्ड, एंड पता ही नहीं चला कब इंटरवल हो गया, कब पिक्चर खत्म हो गई, इट वाज अमेजिंग, इट वाज लाइक वेरी फास्ट पेस, सो या।
शूटिंग वॉज अमेजिंग, शूटिंग वॉज अ लॉट ऑफ फन. लाइक सभी लोग जो फिल्म में फिल्म से जुड़े हुए हैं बहुत ही बहुत एंटरटेनिंग है, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं सेट के ऊपर. सो इट्स ऑलवेज हैज़ बिन अ ग्रेट ग्रेट टाइम. आई मीन वी ऑल हैव हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर द फिल्म. सो वो भी वही दिख के भी आ रहा है स्क्रीन पे, यू नो. काले हैं पर दिल वाले और बेसिकली ये हमारे डायरेक्टर विश्वास ने ये लाइन डाली है बिकॉज हमारी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब सब में कोई ना कोई लाइक ग्रे शेड है, विच इज़ वाई काले हैं लेकिन दिल वाले हैं. 23rd of March को फिल्म आ रही है. एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? आई रियली होप, आई रियली वांट दिस फिल्म टू डू रियली रियली वेल एंड गॉड विलिंग इट विल. तो सर आपने मूवी देखी है या? बिल्कुल बिल्कुल फिल्म देखी है और बहुत मजा आया. और इस फिल्म में जिस तरह से एक मतलब बहुत वरस वरस भी है लेकिन इस दौरान वेरी लाइट फन वे, तो एक बहुत अलग कॉमिक केपर जिसे कहते हैं एक अलग जॉनर है. और इसमें हम लोग ने गाने भी दिया, मुझे बहुत खुशी है कि पूरे गाने ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी एडिट में है, पूरा गाना प्रॉपरली पिक्चराइज है, वेरी वेल पिक्चराइज. और परफॉर्मेंस कमाल की हुई है अनुपम खेर साहब, ऑफ कोर्स अनु कपूर, एंड द स्पेशल सरप्राइज डेफिनेटली इज मनीष पॉल, क्योंकि बहुत ही पॉलिश्ड एक्टिंग की है क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स बहुत बहुत मज़ा आ गया. और एक अलग किस्म की आजकल इस तरह का जो थ्रिलर जॉनर है जिसमें कॉमेडी हो, एक बिल्कुल एक नया जॉनर है, तो लोगों को बहुत रिफ्रेशिंग और नया ज़रूर लगेगा. ओके ये मूवी में ट्रेलर और इसके अलावा गाने को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है. जी जी. और ये अगर मूवी में एक अगर एक गाना चूज करना हो आपका, एक कोई फेवरेट अगर? सारे सारे बट एक कोई. हाँ हीर गाना बहुत हमें पर्सनली हमारा रोशन गौरव हमारे जो तीसरे पार्टनर है वो मिसिंग है आज, लेकिन हीर डेफिनेटली इज आवर फेवरेट सॉन्ग. अगर छड़के ना जा कुड़ी कोल तू मेरे बजा, तेरे बिन दिल सूना लगदा दिल विच आके रह जा. हीर 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 तेनू तकता रवा. आपके पूछने से पहले ही मैंने गा दिया. इट्स अ ब्यूटिफुली डन मूवी एज अ गुड स्टोरी एंड वेल वेल पेस्ड फिल्म एंड ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म वेरी वेल वेरी वेरी वेल. ओके इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस यू हैव लाइक द मोस्ट, खेर साहब अनुपम खेर साहब एंड मनीष पॉल अनु कपूर जी एंड ऑल द अदर एक्टर. ओके इफ मंजरी मंजरी वन थिंग यू हैव लाइक द मोस्ट अबाउट यू द कॉन्सेप्ट. आई हैव सीन द दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट किलर एंड इज अ वेरी एंटरटेनमेंट वे दे हैव ट्रीटेड इट. जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 23 मार्च हमारे लिए, मेरे लिए खासकर क्योंकि जब से उन्होंने पहला सीन लिखा खुद इस फिल्म का जिसे हम पहला ड्राफ्ट कहते हैं, तो तब से लेके आज तक की जर्नी मैं उनके साथ रही हूँ घर पर. सो इट हैज़ इट जस्ट फील्स वेरी नाइस. ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप एक जैसे कहते हैं जब हम बिल्डिंग खुद बांधते हैं तो जब वो फाइनल कंप्लीट होती है, कंप्लीटली पेंटेड होती है एंड रेडी फॉर डिस्प्ले होती है, वैसी वाली फीलिंग है. ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ, मिक्स फीलिंग्स हैं, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आपने देखी फिल्म? हाँ जी मैंने देखी. ओके तो कैसा, जब देखने के बाद कुछ डिबेट भी होती है कि अरे आपने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई, यहाँ पे कुछ कमी, आप बताइए ऐसा कुछ कभी डिबेट होती है? मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी यहाँ, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि एज अ फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ फिल्म. एज एन एक्टर क्योंकि मैंने ये फिल्म, मैं खुद एक एक्टर हूँ तो ऑब्वियसली मेरा एक देखने का नज़रिया कम्प्लीटली अलग है क्योंकि मैं एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ हमेशा. तो ऑडियंस पे ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, बट आई एम श्योर कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेज हैं और वेदर अनु जी, अनुपम सर, के मंजरी, मनीष, सब ने और हर छोटे छोटे किरदार ने इतना अच्छा काम किया है कि आई रियली विश मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाती. लेकिन मेरे लायक कोई रोल नहीं था आई गेस, बट यही कहूँगी कि इट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट एंड आई एम श्योर ये थोड़ी सी अलग स्पेस है, कॉमिक थ्रिलर है, कॉमेडी के साथ साथ थ्रिल एलिमेंट भी है, तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई कैन ओनली विश फॉर द बेस्ट एंड आई कैन प्रे टू गॉड दैट वी शुड बी एक्स्ट्रा ब्लेस्ड. आनंद जी यहाँ पर आए और भी कई सारे लोग आ रहे हैं, सभी ने सभी विश्वास जी को काफ़ी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और उनके इस पहली फिल्म को काफ़ी विश कर रहे हैं. कैसे देखती है आप इन सारी चीज़ें?
बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि सालों की पहचान है और वो हमको काफ़ी सब अरसे से जानते हैं. जैसे डेविड सर के साथ मैंने काम किया है जुगा 2 में, तो डेविड सर इज़ ऑलमोस्ट लाइक फैमिली नाउ. आनंद जी को हम ऑलमोस्ट 20 साल से पहचानते हैं. तो और भी कई सारे शिवम जी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं. जस्ट फील्स वेरी नाइस क्योंकि एक जैसे हम कहते हैं ना, एक सपोर्ट मिलता है कि आप जो कर रहे हो आप सही ट्रैक पे हो. खैर बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है क्या नहीं, ये तो हर फ्राइडे की एक नई स्टोरी होती है. बट यस, ये ज़रूर है कि आपने जो एक ऑनेस्टली मेहनत की है वो रंग लाई है और ऐसी रिलीज़ मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी नए डायरेक्टर के लिए. सो आई कैन ओनली विश माई हस्बैंड ऑल द बेस्ट. जी, आपको हम देखेंगे एज एन डायरेक्टर, एज एन सिंगर, एज एन आप बताइए, क्योंकि हम आजकल देखते हैं एक एक्टर जो है ढेरों सारी चीज़ें. मैं कथक डांसर तो हूँ ही, आई एम श्योर आप जानते हैं. गाना तो ऑब्वियसली मैंने सीखा ही है, बट है दिमाग में है. एज अ सिंगर तो खैर नॉट एज अ प्रोफेशनल सिंगर, बट यस कुछ महीनों से ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ गाऊं, लेकिन नॉट एज अ डायरेक्टर फॉर श्योर. डायरेक्टर तो घर ही में है अब. जी बिल्कुल. तो सुनाती हैं आप विश्वास जी को कि ये वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे गवाइए. वो कंपोज बहुत अच्छा करते हैं. मैं हो सकता है, मैंने तो उनसे कहा था कि इस फिल्म के लिए अपना एक गाना जो उन्होंने इनफैक्ट कुछ 4-5 गाने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, तो वो कह रहे हैं कुछ तो अगली के लिए रखूँ. जी ओके मैम, जैसे कि आपने कहा वी आर फैंटास्टिक कथक डांसर और हमने आपका झलक ABCD 2 में भी देखा था. हाँ जी. और ABCD 3 की अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है वरुण धवन. हाँ और कैटरीना कैफ के लिए. आज, तो हाँ क्या कहना चाहिए फ्रेश पेयरिंग के लिए? वाओ, मैंने इनफैक्ट आज सुबह ही रेमो सर को मैसेज किया, वरुण को मैसेज किया एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड देम. और मैंने ये भी कहा कि काश मैं भी ABCD 3 में हूँ, भले फ्लैशबैक में क्यों ना हो, बिकॉज ABCD 2 में ऑब्वियसली मैं थी फ्लैशबैक में. तो यू नेवर नो, तो मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड हूँ कि आई विश. बट ऑफकोर्स कैटरीना एंड वरुण आर गोना मेक अ लवली पेयर एंड रेमो इज़ ब्रिलियंट. तो मतलब एज अ डांसर तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ मतलब ABCD 2 ही इतनी बढ़िया थी, तो 3 इज गोइंग टू बी रॉकिंग.